क्रिया द्वार ये इनका यहाँ पर प्रदर्शन अवैध है, ये सीसी कैमरे लगे हैं, इन पर FIR होगा, केस होगा, इन पर इनको हिरासत में मिले, इनका ये अवैध यहाँ पर प्रदर्शन है और इनको हम बलपूर्वक हटा देंगे और चलिए हिरासत में मिलेंगे, FIR भी करेंगे। आप FIR की बात कर रहे हैं लेकिन 8 साल से जो वैकेंसी है वो आयोग देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज PR, रिया सिन्हा आपके साथ है। थोड़ी देर पहले हम BSSC दफ्तर के बाहर मौजूद थे, वहां पर छात्रों का हुजूम था। उनकी मांग थी कि जल्द से जल्द काउंसलिंग की डेट दी जाए और वहीं दूसरी ओर वह यह आश्वासन भी चाह रहे थे कि 2.5 गुना ज्यादा काउंसलिंग भी हो। और इसको लेकर जब उनको बुलाया गया तो उनका साफ कहना था कि इस बार सचिव जी को बाहर आना पड़ेगा, तब तक छात्र जो है वही मौजूद रहेंगे। हालांकि वो कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ अपनी मांग को लेकर वहां पहुंचे थे और उसके बाद सुस्त आयोग के द्वारा मजिस्ट्रेट को बुला लिया जाता है। मजिस्ट्रेट आते हैं और धमकी देना शुरू करते हैं, जो कि हर बार वो देते हैं। हर बार जब भी ऐसा कुछ होता है तो उनके द्वारा यह धमकी दी जाती है कि FIR दर्ज करवा देंगे, इन्हें अंदर करवा देंगे, CCTV में सब कैद हो रहा है। ये इनका यहाँ पर प्रदर्शन अवैध है, ये सीसी कैमरे लगे हैं, इन पर FIR होगा, केस होगा, इन पर इनको हिरासत में मिलेंगे। लेकिन सर आयोग तो भेंट क्यों नहीं कर लेती है? सर आयोग भेंट क्यों नहीं कर लेती है इनसे? 7 सालों से लंबित है, 7 सालों से लंबित है, ये 8 साल से जो दौड़ रहे हैं। परीक्षार्थी में से कई लोग हर कारण से हाई कोर्ट चले जाते हैं, इसीलिए रिजल्ट आने में कहाँ हाई कोर्ट गए हैं कोई अभी सर? नहीं अभी नहीं गया कोई, अभी नहीं गए सर, हम देख रहे हैं परीक्षा को। मतलब ये 8 साल के लिए 8 साल नहीं सर, छात्र कई लोग एग्जाम हुआ है सही रूप में नहीं हुआ है या कोई अपनी आपत्ति दर्ज करते रहते हैं। तो ये एक मामला होता तब ना, 2014 का, 2016 का ड्राइवर का भी फंसा हुआ है। अच्छा। 2009 में जो दरोगा की बहाली जो 2004 की वैकेंसी थी वो अभी तक केस चल रहा है। सर आपकी बात हुई है आयोग से, क्या क्या उनका कहना है सर? आप भी मैसेंजर बनते सर? आयोग से हम बात नहीं करेंगे जी सर, हमारा काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। जी सर इनका ये अवैध यहाँ पर प्रदर्शन है और इनको हम बलपूर्वक हटा देंगे और चलिए हिरासत में मिलेंगे, FIR भी करेंगे। आप FIR की बात कर रहे हैं लेकिन 8 साल से जो वैकेंसी है वो आयोग देगा, कब देगा? बिहार SSC सबसे भ्रष्ट आयोग है, सबसे भ्रष्ट आयोग, और कुछ नहीं हम कहना चाहते। मैं DM इतना लेट हो क्यों रहा है? इतना भ्रष्टाचार नहीं, लेट हो क्यों रहा है? हम ये चाह रहे हैं हमारा लेट कर क्यों रहे हैं आयोग की तरफ से? पार्टी का जोर ला रहे हैं सर, आप इनको जवाब नहीं दीजिए लेकिन आप अंदर इनका मैसेज तो डाल सकते हैं। पहुंचाओ, इतना हल्ला कर रहे हैं या फिर पकड़ना की बात है मजिस्ट्रेट साहब? अगर आपके CCTV में ये कैद हो रहा है कि छात्र अपनी मांग को लेकर वहाँ पे खड़े हुए हैं तो आप सारे CCTV फुटेज निकालिए कि कितने दिनों से वो रोजगार की बात कर रहे हैं, कितने दिनों से वो अपनी मांग को लेकर पहुँच रहे हैं। आप जो आश्वासन देते हैं कि इस तारीख को आ जाइए वो पूरा हो जाएगा, इन सभी चीज़ों का फुटेज क्यों नहीं निकाला जाता? आप छात्रों के साथ ये सब जुल्म करने के लिए तैयार हैं, आप पुलिस वालों को बुला लेते हैं और पटाख से आप तुरंत में अगर वहाँ पर छात्र पहुँचते हैं तो आप तुरंत में पुलिस को बुला लेते हैं और यह धमकी दिलवाते हैं कि जल्द से जल्द उन पर FIR कर लिया जाएगा और अब इनको जो है ये जो काम कर रहे हैं इसके लिए इनको अंदर डाल दिया जाएगा। ये धमकी अपने पास रखिए, BSSC दफ्तर के बाहर वो तैनात है, तैनात रहेंगे और इनका आज ठान लिया है कि जब तक आप काउंसलिंग की डेट नहीं देंगे, ये आश्वासन लिख कर नहीं देंगे, खुद मीडिया के सामने मुखातिब नहीं होंगे, तब तक ये वहाँ से नहीं जाएंगे। और कब तक आप अपने नाजायज तरीके से छात्रों के ऊपर इस तरीके से जुल्म उठाते रहेंगे हम भी देखते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ PR के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।